सो भाई के स्वागत हम लोग बताएंगे जो एप्रिलिया RS 457। तो ये जो बाइक है ना फाइनली गाइस इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है आज गाइस 8 दिसंबर 2023। और आज गाइस एप्रिलिया RS 457 लॉन्च हो चुका है इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। और ये बाइक के अंदर क्या फीचर्स, प्राइस, माइलेज, टॉप स्पीड सारे कुछ कवर करेंगे आज का वीडियो के अंदर। और ऑब्वियसली बताएंगे बाइक का जो टॉप स्पीड कितना देख सकते हो वो भी हम लोग बताएंगे, और बाइक का जो ऑन रोड प्राइस कितना आएगा वो भी हम लोग बताएंगे आज का वीडियो के अंदर फुल कवर करेंगे। सो गाइस अभी तक वीडियो के अंदर लाइक नहीं करो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्त को बस वीडियो को जो से गाइस शेयर करो, और आपका फेवरेट बाइक कौन सा है, ड्रीम बाइक कौन सा है, OBR कमेंट करके बता देना। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस बताएंगे एप्रिलिया RS 457 फाइनली लॉन्च हो चुका है इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। सबसे पहले गाइस बताएंगे बाइक का फीचर्स को लेके, ये बाइक का जो फीचर्स देख सकते हो बहुत बढ़िया फीचर्स देखने मिलेगा, साथ में पावरफुल ट्विन सिलेंडर का इंजन और 47 BHP। सबसे पहले गाइस बताएंगे बाइक का इंजन कैपेसिटी को लेके, यहाँ पे 457 cc लिक्विड कूल और 8 वाल्व का इंजन देख सकते हो, साथ में 47.8 BHP साथ में 10,500 RPM के साथ। और ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया पावरफुल ट्विन सिलेंडर का इंजन, और ट्विन सिलेंडर का कितना ज्यादा खतरनाक वाला साउंड है, खतरनाक वाला पावर है वो तो गाइस आप लोग जानते ही है। गियर स्पीड को लेके बताएंगे तो 6 स्पीड गियर बॉक्स सिल्वर क्लास के साथ देखने मिलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स को लेके बताएंगे तो ये बाइक के अंदर कंपनी इंस्टॉल कर दिया क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग कंट्रोल एंड साथ में और भी तुम लोग को बहुत कुछ एडवांस फीचर्स देख सकते हो। बाइक के सस्पेंशन को लेके बताएंगे तो सामने मतलब फ्रंट ईयर पे यूएसडी सस्पेंशन मतलब अपसाइड डाउन सस्पेंशन देख सकते हो, और रियर पे मोनोशॉक देखने मिलेगा। और ये बाइक के अंदर गाइस बहुत बेजी वाला साउंड देखने मिलेगा अंडरबेली एग्जॉस्ट के साथ, डुअल LED पावरफुल प्रोजेक्टर लैंप देख सकते हो, साइड इंडिकेटर LED देखने मिलेगा और पीछे का टेल लाइट भी LED। और ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया डिजिटल LCD TFT मीटर, तो मीटर का जो लुकिंग है ना बहुत अच्छा क्वालिटी के साथ देखने मिलेगा। और रियर जो मोनोशॉकर देख सकते हो ये आपका हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हो, मतलब दोनों सस्पेंशन को आपका हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हो। बाइक का वेट कैपेसिटी को लेकर बताएंगे तो यहाँ पे 175 kg वेट देखने मिलेगा। और मेन जो बात है माइलेज एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर बताएंगे तो यहाँ पे 15 लीटर का आप लोग यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है कंपनी, साथ में यहाँ पे माइलेज को लेकर बताएंगे तो 15 to 20 किलोमीटर तक माइलेज देख सकते हो, और अभी पूरा आपका राइडिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो गाइस अभी हम लोग बताएंगे ये बाइक का प्राइस को लेके, 4.25 लाख एक्सट्रीम प्राइस है, ऑन रोड प्राइस आ जाएगा यहाँ पे 5 लाख के अंदर ऑन रोड प्राइस देख सकते हो इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर, ये आपका सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये बाइक को खरीदने के लिए आप लोगों को कहां जाना पड़ेगा वो भी हम लोग बताएंगे, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखो। बाइक का टायर साइज को लेके बताएंगे तो सामने का टायर मतलब फ्रंट ईयर पे 1/0 x 70 x 70 देखने मिलेगा, और रियर टायर मतलब पेच का टायर होगा 150 x 60 x 70 देखने मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हो ड्यूल चैनल ABS मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और ये बाइक के अंदर बहुत पावरफुल ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। डिस्क साइज को लेके बताएंगे तो सामने मतलब फ्रंट ईयर पे 320 mm और रियर पे 220 mm डिस्क साइज देख सकते हो। अभी जो मेन जो बात है ये बाइक का सबसे पहले बताएंगे लॉन्च डेट, लॉन्च तो गाइस ऑलरेडी हो चुका है 8 दिसंबर 2023 आज गाइस यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। आप लोगों को खरीदना है एप्रिलिया का ऑफिशियली वेबसाइट के अंदर जाने के बाद बुकिंग के अंदर क्लिक करो, बुकिंग करने के बाद आपका डिलीवरी हो जाएगा बहुत जल्दी। बुकिंग करने के बाद आपका आसपास का शोरूम होगा तो वहाँ पे आप लोगों को जाके डिलीवरी लेना पड़ेगा, तो आराम से इजीली हो जाएगा। एप्रिलिया का ऑफिशियली वेबसाइट के अंदर जाओ, जाके बुकिंग करो, बुकिंग करने के बाद यहाँ पे आराम से डिलीवरी मिल जाएगा। सो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा OBR कमेंट करके बता देना। सो गाइस चलिए आज का वीडियो इतना ही एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।